जब रात होती है तो हम एक दिया जला देते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं सभी? अच्छे से रहिएगा, बच के रहिएगा और हो सके तो टीके जरूर लगवा लीजिएगा, क्योंकि टीके से कोविड को कुछ हद तक पराजित किया जा सकता है। वैसे तो जैसी परिस्थितियां हैं उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कहां गए हमारे वो मेरिट लिस्ट में आने वाले विद्यार्थी और महान महान वैज्ञानिक जिनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार मिलते थे और जो दावा करते थे कि वो बड़े बड़े काम कर लेंगे, आज सबकी वाट लग गई है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो कोविड एक तरह का जैविक वार का ही स्वरूप है और हम बदकिस्मत लोग हैं जो आज तक लोग सुनते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा धरती पर जब जैविक वार होगा। चाइना ने खुद का बनाया जैविक अस्त्र ही छोड़ा है। ये कोविड कोई सामान्य बैक्टीरिया, सामान्य वायरस नहीं है, क्योंकि अगर सामान्य बैक्टीरिया वायरस होता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं करता, इस तरह से म्यूटेंट नहीं होता और इस तरह से बेकाबू नहीं होता। आपने देखा होगा आज तक कई वायरस आए, इबोला आया, बर्ड फ्लू आया, हैजा, कॉलेरा, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां आई जिनका इलाज खोज लिया गया है, मगर आज कोविड का इलाज खोजने में हर कोई असफल है। यह भी कह सकते हैं कि आरक्षण प्राप्त ये वैज्ञानिक इतनी औकात नहीं रखते हैं कि ये इसकी खोज कर सके, मगर ईश्वर सबसे बड़ा है। अगर इंसान की मूर्खता है भी तो उचित समय पर ईश्वर अपना चमत्कार दिखाएगा और सब कुछ सुधर जाएगा। तब तक घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और मेरी कहानियां सुनते रहिएगा। आज बात करेंगे इतिहास की। मुझे लगता है मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इतिहास से बड़ा डर लगता रहा हो। यार, समझ में नहीं आता था इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पुराने राजाओं की बातें हमें पढ़ाई जा रही, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। भाई, पानीपत में ही जाके तुम लोग को लड़ना था और कहीं लड़ने की जगह नहीं थी। किसने लड़ा, अंग्रेज कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी और क्या क्या। हमेशा से इतिहास डराता रहा है, मगर इतिहास इसलिए भी डराता रहा है कि इंसान के उस समय की गई गलतियों से हम सीख ले और दोबारा उन गलतियों को ना दोहराए। मगर कभी कभी अनजाने में ही हम किसी इतिहास में जुड़ जाते हैं। इतिहास के किसी भयानक श्राप से हमारी जिंदगी ग्रसित हो जाती है और तब हमारी जिंदगी नरक के करीब आ जाती है। मेरा नाम है महेंद्र। इस शहर में मेरा आना पढ़ाई के लिए हुआ था, विशेषतः 12वीं कंप्लीट करने के बाद कई जगह मैंने इस कोर्स को करने के लिए अप्लाई किया था। नसीब से सीट मिली इस शहर के सबसे बड़े कॉलेज में, मगर अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में रहना एक तरह से मुश्किल का ही काम होता है। घर से पैसे में ठीक ठाक ही ले आया था, मगर यहां आते आते उनमें से कुछ खर्च हो गए। असल में ट्रेन में अचानक ही एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई थी। उसे एक स्टेशन पर उतार कर हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती करते करते थोड़ी मुश्किल ही आ गई। हालांकि थोड़ा सा ठीक होने के बाद उस व्यक्ति ने मेरा एड्रेस लिया था और कहा था कि वो सारे पैसे भिजवा देगा, मगर इस महीने काम कैसे चला सकता था मैं। और कहते हैं ना, इंसान जब हिम्मत करता है तो ऊपर वाला अवश्य मदद करता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। यहां आकर हॉस्टल और घर खोजते खोजते अचानक ही ये घर मुझे मिल गया। घर शहर से बाहर की तरफ ही था,
इसलिए थोड़ी मुश्किल थी, मुश्किल थी लेटर वगैरह आने में, क्योंकि इधर पोस्टमैन वगैरह उतने आते नहीं थे। हाँ, घर में कोई बुराई नहीं थी, घर काफी पुराना था। घर के मालिक सुब्रमण्यम अय्यर थे, जिन्होंने मुझे बताया था कि यह घर अंग्रेजों के जमाने का है, उनके परदादा ने इसे खरीदा था। हालांकि देखने में घर भूत महल की तरह लगता था, मगर अंदर की व्यवस्था काफी अच्छी थी। ऊपर सुब्रमण्यम और उनका परिवार रहता था, नीचे उनका ऑफिस था। विशेषतः सुब्रमण्यम वकील थे। हाँ, ऑफिस के पास वाला जो रूम था वो मुझे उन्होंने किराए पर दिया हुआ था, काफी अच्छा। एक विद्यार्थी के लिए ऐसी जगह बहुत अच्छी होती है, शहर की चहल पहल से दूर। आसपास भी घर कम ही थे, अक्सर चिड़ियों की चहचहाहट और मधुर वातावरण में ही समय बीतता था। ऐसे सुनसान परिवेश में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मेरा कमरा काफी अच्छा था और मुझे सबसे प्यारा था मेरी खिड़की। ये खिड़की काफी सुंदर और गोलाकार थी, काफी चौड़ी भी, करीब 6 फुट चौड़ी, 3 फुट लंबी। खिड़की खोल दो तो बाहर से सुंदर ठंडी हवा और सुबह सुबह सूरज की रोशनी पड़ती थी। खिड़की इतनी चौड़ी थी कि वहां पर बिस्तर बिछाकर बैठा जा सकता था। मैं अक्सर वहीं बैठकर पढ़ता था। दरवाजे के ठीक सामने मेन रोड थी। एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा माहौल था, मगर उस रात के बाद मुझे उस खिड़की को खोलने में भी डर लगने लगा था। अब आगे के विषय पे आते हैं। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मुझे एहसास होने लगा कि घर से आ रहे पैसों से निवाह करना उतना आसान ना होगा, कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब ढूंढना पड़ेगा। और इस शहर में सबसे मुश्किल काम वही था। मगर बकिस्मत एक जगह मुझे काम मिलने की संभावना दिखी। एक जगह इंटरव्यू देने जाना था। एक मारवाड़ी व्यक्ति था जिसे एक टेली ऑपरेटर की आवश्यकता थी। मैं टेली में ऐसे ही पारंगत था, इसलिए आवेदन कर दिया। कुछ लोगों से सुनने में आया व्यक्ति बहुत ही बददिमाग और काइयां किस्म का है। अगर मुझे इससे क्या, मुझे तो काम से मतलब था। सैलरी भी 3,000 रुपए ही दे रहा था, मगर इतने पैसे हाथ में आना भी मेरे लिए बड़ी बात थी। यही सोचा कि अभी तो ज्वाइन कर लेता हूं, मगर जैसे ही कोई दूसरी नौकरी मिलेगी छोड़ दूंगा। पर पता नहीं इस शहर में आके मेरी किस्मत और बदकिस्मती एक साथ कैसे चिपक गई थी। जिस दिन उसने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, उस दिन कॉलेज के एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उसके तीमारदारी के लिए दोस्तों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया। चंदा इकट्ठा करने, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराने, इन सब में समय काफी व्यतीत हो गया था। किसी तरह दौड़ते भागते शाम करीब 4:30 बजे के करीब मैं उसके घर पहुंचा। घर बेहद बड़ा और आलीशान था, करीब 4 मंजिला। दरवाजे की घंटी बजाते ही एक मोटा सा मारवाड़ी व्यक्ति सामने आया। समझ में आ गया यही सुरेंद्र अग्रवाल अर्थात वही व्यक्ति होंगे। केम छो भाया, के चाहिए, उन्होंने मुझसे कहा। जी वो इंटरव्यू के लिए। ओ आवो आवो, तमे हिंदी बोलू छो? जी आवो आवो। वो मुझे अंदर लेके गए। 2-4 बातें करने के बाद ही उन्होंने मुझे अपॉइंट कर लिया। बात से समझ में आया कि मेरे अलावा शायद और कोई इंटरव्यू देने नहीं आया। एक बात बड़ी आश्चर्यजनक लगी, व्यक्ति का
पूरा नेटवर्क था शायद शहर में, हर किसी बात की उसे जानकारी थी। जब मैं उठकर आ रहा था तब उसने कहा, तुम्हें बड़ा दिलदार आदमी छो हैं, लोगों की मदद करने में तुम्हें बहुत सुकून मिलता है। अच्छी बात है, लोगों की मदद करनी चाहिए, आजकल तुम जैसे लोग मिलते कहाँ हैं। अच्छा है अच्छा है, मगर मेरे साथ काम करोगे तो समय पूरा देना पड़ेगा भाया। मैं एक मिनट की देरी और एक मिनट का वो टाइम पसंद नहीं करूँ। आश्चर्य लगा। मैं कॉलेज में दोस्त के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था, ये उन्हें कैसे पता लगा? क्या मेरे दोस्तों में से कोई भी इंटरव्यू देने आया था? नहीं, जहां तक मुझे याद है उस वक्त मेरे सारे दोस्त वहीं थे और जगह के बारे में किसी को पता भी नहीं है। खैर, साथ ही उन्होंने कहा, सुब्रमण्यम साहब ने मारो सलाम दीजो। मैंने तो उन्हें यह भी नहीं बताया कि मैं सुब्रमण्यम के यहां रहता हूं। पोस्टल एड्रेस में मैंने हॉस्टल में रहने वाले एक दोस्त का एड्रेस दिया था, क्योंकि मैं जहां रहता था वहां तो चिट्ठियां आती नहीं थी। तो फिर इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं सुब्रमण्यम के यहां रहता हूं? मगर अभी तो आश्चर्य की सीमा और पार होनी थी। पहले दिन जब मैं काम पर गया तो मुझे पहला इंस्ट्रक्शन यही मिला कि मैं किसी को भी इस संग्रहालय के बारे में नहीं बताऊंगा। यहां अंदर क्या क्या है, क्या होता है, ये मैं किसी के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकता, अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ भी। इवन मुझे किसी को ये भी नहीं बताना है कि मैं यहां काम करता हूं। मेरा काम शाम 5 बजे से चालू होना था, विशेषतः उनके हिसाब किताब वगैरह को टेलीमेंट्री करना था, फिर उसकी एक्सेल शीट बनाकर उन्हें देना था। घर अंदर से देखने पर मैं आश्चर्यचकित हो गया। एक म्यूजियम की तरह था जिसमें बहुत सारे बेशकीमती सामान थे, राजा रजवाड़ों की तलवार, युद्ध के वस्त्र और न जाने क्या क्या। मगर सबसे आश्चर्यजनक चीज वहां ठीक बीचों बीच रखी थी, वो थी एक पुरानी ममी। अग्रवाल ने मुझे बताया कि ये करीब 5,000 साल पुरानी ममी है। इस व्यक्ति का नाम था ट्रॉय, मिश्र के एक बहुत बड़े राजा का, हालांकि किस राजा का ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, मगर अंगरक्षक था। ट्रॉय राजा के लिए पूरी तरह से समर्पित था। बचपन में एक बार राजा ने उसे दुश्मनों के हाथों मरने से बचाया था, तब से वो पागलों की तरह राजा के लिए जूझ जाता था। अगर कोई राजा के बारे में बुरा भी सोचता तो ट्रॉय उसे मार डालता था। उसका राजा के प्रति समर्पण, राजा के प्रति रक्षा इतनी हद तक बढ़ गया कि एक बार राजा के पुत्र ने जब बातों ही बातों में कहा था कि वो अपने पिता को मार डालेगा तो उसकी भी हत्या कर दी थी, और एक दिन राजा को भी उसने अपने ही हाथों से मार डाला था। मम्मी को देखकर मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा डर लगा, पूरा शरीर कपड़े में बंधा हुआ था, सिर्फ हाथों के आगे का हिस्सा और चेहरे का कुछ हिस्सा जिसमें मुख्यतः आंखें थी खुला हुआ था। अगर इतना ही होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ट्रॉय के पास से एक अजीब सी दुर्गंध सी आती थी, मुर्दा सड़ने से जैसी गंध आती, मुझे आश्चर्य भी लग रहा था। हालांकि अग्रवाल साहब ने बताया था कि इस पूरी जगह की सफाई वो खुद करते हैं, तो ऐसे में चूहा आदि मरा होना संभव नहीं था। फिर वो बांस कहां से आ रही थी? एक पल को मुझे देखने से ऐसा भी लगा कि ये असली मम्मी है या नहीं, क्योंकि उसका आकार काफी ज्यादा लंबा था, और जहां तक मैंने पढ़ा था मिश्र में इतने लंबे लोग तो नहीं होते थे। लगा किसी ने अग्रवाल साहब को ठग दिया है। मेरी तरफ देखकर वो बोले, कैसा लग रही है हैं? ये ना खतरनाक, अरे बहुत मुश्किल से ये मिला है,
मेरा काम करने का जगह पास ही में एक छोटा सा कमरा था। मेरे कमरे के पास ही अग्रवाल का बड़ा सा कमरा होता था। सबसे अजीब बात यह थी कि अग्रवाल ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था कि मेरे काम का समय शाम 5 से रात 9:30 तक का होगा। 9:30 बजे मुझे तुरंत ही सामान समेटने के लिए वो उठाने लगते थे, और ये भी हिदायत दी थी कि किसी भी हाल में 10 बजे के बाद मैं संग्रहालय में ना रहूं। संग्रहालय में इतनी कीमती चीज होने के बाद भी अग्रवाल ने कोई विशेष चौकीदार वगैरह नहीं रखा था। दरवाजे पर भी एक सामान्य सा ताला ही लगाते थे। मैं इस बात पर भी चौंका। मैंने उनसे पूछा, इस पर वो हंसकर बोले, केसो डर भाया, ये है ना ट्रॉय, ये रक्षा करता है रात को। किसी चोर की हिम्मत नहीं है कि इसकी उपस्थिति में अंदर आवे। संग्रहालय में एक बड़ी सी पेंडुलम घड़ी भी लगी थी। जब मैं काम करता था, चारों ओर के सन्नाटे में उस घड़ी की आवाज बस सुनाई देती थी। हालांकि अग्रवाल साहब के रहने से मुझे कभी काम करने में कोई असामान्यता नहीं लगी, मगर पता नहीं क्यों जब भी मैं ट्रॉय की मम्मी की तरफ देखता था, मुझे एक अजीब सा डर लगता था। नौकरी ज्वाइन करते ही अचानक अग्रवाल साहब ने मेरे हाथों के दस्तखत और मेरे खून की छाप ली। मुझे लगा शायद मेरा ब्लड ग्रुप अपने पास रखना चाहते हैं। क्या पता कल को अगर मैं उन्हें मारकर कुछ चुरा कर भाग जाऊं तो इसी ब्लड ग्रुप से मुझे पकड़ लेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और करीब 1 महीने का समय चला गया। मेरी सैलरी का टाइम आ गया। उस दिन महीने का पहला सोमवार था। आज पूरी आशा थी सैलरी मिल गई की। सैलरी की जरूरत भी बहुत ज्यादा थी। दुकान पर एक किताब देखी थी। इस समय वो किताब बहुत चल रही थी। लगभग सभी विद्यार्थियों ने वो किताब खरीदी थी, इस वजह से किताब की उपलब्धता बड़ी मुश्किल थी। बड़े दिनों बाद उसके सेकंड सेट आने पर धड़ाधड़ बिक रही थी। किताब लेने से मेरी पढ़ाई भी काफी अच्छी हो जाती, इसलिए मैंने दुकानदार को हाथ जोड़कर कहा था कि एक कॉपी रख दे, मैं शाम को जरूर जरूर ले जाऊंगा। सैलरी मिलना इसके लिए बेहद जरूरी था, मगर उस दिन परिस्थितियां ही कुछ अलग रहीं। मुझे अपने कमरे पे बुलाकर अग्रवाल ने कहा, देखो भाया, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, ऐसे में ये जगह तुम्हें ही संभालनी है। डरना मत, है ना? और मेरी अनुपस्थिति में यहां से कुछ चुरा कर भागने की भी मत सोचना। भैया तुम्हे तो जानो छो ट्रेन इस जगह की रक्षा करे छे, फिर कुछ हुआ तो मने ना बोलियो। सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। इतने दिनों से काम कर रहा हूं, इतनी ईमानदारी से ये व्यक्ति कैसे कह रहा है। अच्छा, और याद रखियो, 9:30 बजे तुम्हें किसी भी हाल में ये जगह छोड़ देनी है, वरना मैं फिर किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा। मैंने सामने सर हिलाया। और दराज में कुछ पैसे छोड़ के जा रहे हूं, कुछ जरूरत पड़ी तो खर्चा करियो, ठीक है? मैंने कुछ घबराते हुए पूछा, सर वो तो ठीक है, मगर मेरी सैलरी? अरे देवूंगा बाबा, देवूंगा, उसने अचानक ही चिढ़ते हुए कहा। मैं कोई खा जा रहे हो थारी सैलरी? ये तारी काय नहीं कि सर पे खड़े हो गए सैलरी सैलरी। अरे देवूंगा, ये पैसा के लिए एकदम पागल मत हो, काम ध्यान से करो, सब मिलेगा। असली में एक किताब लेना था वो। अरे मैं तमे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, हैं? छोड़ो सब, पिक्चर देखने वास्ते पैसों चाहिए, ये सब बोलो होटल में खा के उड़ाओगे, कोई किताब विताब नहीं है, किताब कहीं गायब नहीं हो जाएगी, मैं आके सैलरी दे दूंगा, ध्यान से काम करो बस। इसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा सा आया। मन किया बूढ़े के हाथ पांव तोड़ दूं। इतनी मेहनत से काम करने के बाद सैलरी देने के नाम पे आज अगर किताब खरीद लेता तो। गुस्से में जैसे मेरा सर घूम सा गया।
कुछ पल को लगा आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, मगर लाइट जिस तरह से धुंधली हुई सच में यही लगा था। तभी अग्रवाल ने बिजली विभाग को गाली दी, एक हराम खोर, या देखो तब लाइट हिलाते रहते हैं, गोल करते रहते। तब समझ में आया नहीं, सिर घूमा जरूर था मगर लाइट आंखों के सामने अंधेरा की वजह से कम नहीं हुई थी, लाइट खुद से कांपी थी। खैर वहां से तो मैं चला आया। दुकानदार ने अगले दिन मुझे देखकर जोर से पूछा था कि मैं किताब लूंगा कि नहीं, अन्यथा वो दूसरे को बेच देगा। इस पर मैंने जिस दोस्त का एड्रेस दिया था उसने कहा, एक काम करना तू ले ले, मैं पैसे दे देता हूँ, खत्म हो गई तो फिर मिलेगी नहीं, ये किताब बहुत जरूरी है, घर से पैसे आएंगे तो दे देना, कहाँ जा रहा है। उसकी बात पर मैंने थोड़ा गुस्सा दिखाया था, देखना यार सैलरी नहीं मिली नहीं तो, अबे मैं हूं ना, कहकर उसने जबरदस्ती मुझे किताब दिला दी। अगले दिन मन किया आज काम में नहीं जाता, और आज क्या, अब काम छोड़ ही देता हूं, सैलरी ढंग से मिलती नहीं है। मगर दिन भर क्लास करने के बाद मन में विचार यही आया कि काम बिना तो चलेगा नहीं, और काम खोजना बड़ी मुसीबत है, इसलिए जैसे भी हो लौटकर अग्रवाल सैलरी तो देगा ही, दूसरी नौकरी मिलने तक यही नौकरी क्यों ना चलाई जाए। यही सोचकर मैं उस दिन काम में चला गया, मगर यही लगता है कि काश मैं काम में नहीं गया होता। दूसरे दिन अग्रवाल के रहने पर ऑफिस में थोड़ी आवाज होती रहती है, मगर आज पूरी तरह से सन्नाटा था। मैं अपने उस छोटे से रूम में बैठे बैठे काम कर रहा था, पूरे घर में सिर्फ दो ही आवाजें गूंज रही थी, एक मेरे कीबोर्ड की खटखट की और दूसरी पेंडुलम घड़ी की। पेंडुलम घड़ी भी बड़ी अजीब थी, जब वो खटखट करती थी तो ऐसा लगता था मानो कोई पांव घसीट घसीट कर चल रहा है। जल्दी जल्दी काम खत्म करने की मैं कोशिश करने लगा। आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास थी, इस वजह से थकान ज्यादा लग रही थी। मन किया काश अगर चाय मिल जाती, मगर इस तरफ कोई आता जाता नहीं था, वहां चाय कौन ला कर देता। फिर ध्यान आया, क्यों ट्रॉन तो है, ट्रॉन को बोलूं क्या, जब यहां की रक्षा कर सकता है तो मुझे चाय पानी लाकर भी दे सकता है। मगर फिर मनी मन हंस पड़ा, पानी मेरे पास बॉटल में था, पानी निकालकर गटगटाकर पी लिया और फिर काम में लग गया, क्योंकि इस घर में अकेला बैठना मेरे लिए असंभव सा होता जा रहा था। ऊपर से ट्रॉन की मौजूदगी उसे और डरा रही थी। मैंने काम खत्म करके जैसे ही बाहर निकला, एक पल को जैसे मैं चौंक पड़ा, पेंडुलम घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी तो बंद थी, मगर मुझे पूरी तरह से पता है कि पूरे टाइम मैं पेंडुलम घड़ी की आवाज सुनता रहा था। तो क्या घड़ी की आवाज थी या सचमुच कोई पैर खिसट खिसट के चल रहा था? हाँ, तभी ध्यान में आया, नहीं हो सकता है घड़ी बंद हो मगर पेंडुलम चल रहा हो। मगर जब गौर से घड़ी की तरफ देखा तो मैं सिहर उठा, घड़ी ठीक 6:20 पर बंद हो चुकी थी, और तभी मेरी नजर गई ट्रॉन की मम्मी की तरफ। कांच के उस बक्से में वो छत की तरफ आंखें गड़ाए चुपचाप लेटा हुआ था, मगर बक्सा पूरी तरह से बंद नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे
हल्का सा खुला हुआ है। उसे देखकर मेरे जैसे दिल की धड़कनें बढ़ गई। मैं जल्दी से वहां से बाहर निकल आया और जल्दी से ताला लगाकर किसी तरह से मेन रास्ते पर ऑटो पकड़कर घर की तरफ निकल लिया। ऑटो से उतरते ही एक आवाज ने मुझे फिर से चौंका दिया। चौंक कर देखा तो थोड़ा सा ढांढस बंधा। ये मंगलू पागल था, इस इलाके और आसपास घूमता रहता था, बड़ा अजीब स्वभाव का था। ऐसे तो लोगों को कुछ करता नहीं था, मगर रात के अंधेरे में अजीब तरह से चीखता चिल्लाता रहता था, जिसकी वजह से लोग उसे कुछ नापसंद ही करते थे। मगर इस अनजान से शहर में, वीरान से इलाके में, मंगलू एक तरह से मेरा अनबोला मित्र ही था। मैं अपने खाने में से थोड़ा बहुत कुछ कुछ उसे दे दिया करता था और वो हमेशा मेरा एहसान मंद रहता था। मगर आज अनजाने में जल्दबाजी में मैं खाना खरीदना भूल गया था। मंगलू को मैं क्या देता? तभी याद आया बैग में दो बिस्कुट के पैकेट पड़े हैं। एक पैकेट निकालकर मंगलू को दे दिया। वो पैकेट पाकर बेहद खुश हुआ और फिर खाते खाते चला गया। मुझे भी आज की रात बिस्कुट खाकर ही बितानी थी, खाना तो खरीद ही नहीं पाया था। भूखे पेट ठीक से नींद भी तो नहीं आती, इसलिए सोचा चलो समय का सदुपयोग कर लिया जाए। काफी सारा प्रैक्टिकल नोट्स वगैरह लिखना था, सो लिखता चला गया। पता नहीं कब सुबह के 4 बज गए। अचानक ही आसमान में बादल की गड़गड़ाहट सुनाई दी। दिसंबर के इस महीने में बारिश। उस दिन सवेरे से ही रिमझिम बारिश थी, ठंड भी काफी बढ़ गई थी। एक बार फिर से मन कर रहा था कि काम पे ना जाऊं। रात भर ठीक से न सोने की वजह से तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। मगर फिर वही बात कि कुछ दिन ही तो काम चलाना है, करके मैं चला गया। ऑफिस फिर वैसी वीरान था, घड़ी फिर वैसी ठकठका रही थी जैसे कोई पांव घिसट घिसट कर चल रहा हो। काम करते करते कब थकान की वजह से नींद का झोंका मुझे छू गया, मुझे पता ही नहीं चला। नींद खुली एक दबी सी आवाज से, जैसे जैसे कोई दूर बहुत नीचे से मुझे बुला रहा हो। महेन, महेन, बचाओ, बचाओ। मैं चौंक कर उठ गया। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10:10 हो रहे थे। हो, इतनी देर सो गया मैं? नहीं 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 नहीं, मुझे इस वक्त यहां नहीं होना चाहिए। तुरंत ही कंप्यूटर वगैरह बंद करके अपना सामान कंधे में लेकर मैं कमरे से बाहर निकल आया। मगर बाहर निकलने के बाद भी वही आवाज एक बार फिर से कान में आई। महेन, मचाओ, मचाओ। मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगा। संग्रहालय में सब कुछ तो ठीक ठाक था, मगर तभी नजर पड़ी मम्मी के उस बॉक्स में, जो खाली था। और गौर से उस बॉक्स को देखने पर मुझे एक परछाई दिखाई दी, जो बॉक्स के ठीक ऊपर बन रही थी, जैसे ऊपर छत से कोई उल्टा लटका हुआ है, जिसकी आग सी जलती आंखें बॉक्स के कांच पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मेरा पूरा शरीर जैसे झनझना उठा। मैं तेज कदमों से घर से बाहर निकल आया।
दरवाजा बंद किया मगर हिम्मत नहीं हुई कि ताला लगा सकूं। मैं जल्द से जल्द उस जगह से दूर चला जाना चाहता था। दौड़ते हुए जैसे ही रास्ते पे पहुंचा अचानक एक बाइक आती हुई दिखाई दी। बाइक वाले को रोककर मैंने जल्द से जल्द मुझे ले जाने की बात कही। मुझे इतना घबराया हुआ देखकर वो भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया और मुझे तुरंत ही बिठा लिया। किस्मत से बाइक वाला मैं जिधर रहता था उधर ही जा रहा था। घर से थोड़ी दूरी पर पहुंचकर मैं बाइक से उतर गया और बेतहाशा घर की तरफ दौड़ लिया। उसे थैंक यू कहना भी भूल गया। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी जिसे समझ में आया कि वो शायद यही सोच रहा होगा कि बारिश से बचने के लिए मैं भाग गया। कमरे में पहुंचकर मैं घबराया हुआ सा दरवाजा बंद करके खाट पे बैठा हुआ था। मेरा शरीर डर से और ठंड से कांप रहा था। कपड़े भीग चुके थे मगर उठकर उन्हें बदलने की इच्छा नहीं हो रही थी। जो मैंने देखा था वो क्या था, कितना सच था। बाहर अब तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, बिजलियां कड़कड़ा रही थी और तभी मेरी नजर खिड़की से बाहर पड़ी। बाहर एक कुछ था जो बाहर कुछ था जो दो कदम और दो हाथों पर उछल उछल कर मेरी खिड़की की तरफ देख रहा था। उसका सर गंजा था, शरीर भी कपड़ों के बिना ही था। मैं एक पल को चौंक पड़ा मगर तभी याद आया मंगलू पागल के बारे में। अरे हाँ, आज भी तो जल्दबाजी में मैं खाना खरीदना भूल गया और वो मुझे मिला भी नहीं। कम से कम बिस्कुट का पैकेट ही उसे दे देता। लगता है वही मुझसे खाना मांगने के लिए खिड़की के पास आया था। मैं सोचा आज भी बिस्किट का पैकेट उसे दे ही आऊं क्या। फिर अचानक बहुत गुस्सा आया। पागल, किस तरह से डरा दिया मुझे। ऐसे खिड़की के पास बंदरों की तरह कूदने की जरूरत क्या थी। फिर लगा बेचारा भूखा होगा। यही सोचकर मैं घर से बाहर निकल आया। मेरे हाथों में बिस्कुट का पैकेट था। मैं सोच रहा था मंगलू मिले तो उसे दूंगा मगर तभी मंगलू की एक भयानक चीख कानों में आई। मंगलू रातों में अक्सर ऐसा चीखा करता था इसलिए ये कोई मेरे लिए अजीब बात नहीं थी। मैं उसे ढूंढता हुआ थोड़ा घर से आगे चला गया मगर अगले ही पल मेरे सामने एक भयानक दृश्य था। एक टकला सा बिना कपड़ों का शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके ठीक ऊपर एक आकृति बैठी हुई थी। मेरे कदम खुद ब खुद ठिटक गए। मैंने सोचा कहीं ये वही तो नहीं है। और अगले ही पल मेरी सोच पूरी तरह से विश्वास में बदल गई जब बिजली की एक तेज कड़क में मुझे सामने का दृश्य साफ दिखाई दिया। जमीन पर मंगलू ही पड़ा था और उसके ऊपर बैठी थी वही सदियों पुरानी विभीषिका जिसके जो चलती आंखें और कपड़ों से बाहर निकले हुए हाथों से वो मंगलू का सीना चीर कर उसका दिल निकाल कर खा रहा था। मैं ये दृश्य देखकर जैसे कांप सा उठा। तेज कदमों से मैं तुरंत ही अपने कमरे के अंदर गया, दरवाजा बंद किया और तुरंत ही खिड़की को भी बंद कर लिया। आज पहली बार मुझे उस खिड़की से बेहद डर लग रहा था। मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था अपने आप पर। सोचा था काम छोड़ दूंगा, क्यों नहीं छोड़ा मैंने। चार पैसे के लालच में इतनी बड़ी मुसीबत को अपने गले लगा लिया। अरे आज काम पर नहीं जाता बेवकूफ तो क्या बिगड़ जाता। लालची भिखारी, मर जाना चाहिए था तुझे। अपने आप पर बेहद गुस्सा गुजारा मैंने और उसके बाद जाकर बिस्तर पर बैठ गया। मगर तभी मेरे कानों में पड़ी
गुर्राने की आवाज। वो सदियों पुरानी विभीषिका इस वक्त मेरे कमरे के, या कहें हमारे घर के चारों ओर टहल रही है। मगर मेरे पीछे क्यों पड़ी है वो? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? समझ में नहीं आया। डरते डरते न जाने कब थकावट की वजह से नींद आ गई। सवेरे अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। आयो साहब, दरवाजा खोलो, क्या कर रहे तुम? कितना देर सोएगा? ये सुब्रमण्यम की आवाज थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, आयो रामा, इतना गहर नींद में कैसे सोते तुम? बाहर आके देखो क्या हुआ। बाहर जाकर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मेरे कमरे से थोड़ी ही दूरी पर मंगलू की लाश पड़ी हुई थी, बेहद भयानक हालत में। मुझे सब कुछ पता था, मगर मैंने न जानने का भान किया। इसके बाद मैंने तय कर लिया कि इस शहर में रहना मेरे लिए असंभव है। सुब्रमण्यम से कहा कि मां की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे शहर छोड़ना पड़ रहा है। जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वहां पहुंचकर उनका किराया भिजवा दूंगा। इस पर सुब्रमण्यम ने खुद से कुछ पैसे देकर कहा, आयो जल्दी जाओ, अम्मा की तबीयत खराब, तुमको यहां नहीं रहना चाहिए। ये कुछ पैसे रखो, बाद में लौटा देना, कोई ऐसा जल्दी नहीं। जाते जाते अचानक सुब्रमण्यम ने मुझसे एक बात कही जिसने मुझे चौंका दिया। और बेटा, आ सके तो आगे कपड़े अपने शहर में ही करो, मेरे को नहीं लगता यह शहर में तुमको वापस आना चाहिए। इसके बाद मैं अपने शहर में ही रहने लगा। कॉलेज से कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए कोर्स आगे जारी रखा, मगर घर वालों को मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था कुछ भी नहीं बताया। काफी दिनों बाद एक दिन अचानक सुब्रमण्यम का कॉल आया। मैं कैसा हूं, पढ़ाई कैसी चल रही है वगैरह वो पूछ रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने एक बात कही, अयो वो तुम अग्रवाल के पास काम करता था ना, उसका बहुत बड़ा संग्रहालय है, उसका लाश मिला। उसके संग्रहालय के नीचे एक तहखाना था, वहां किसी ने उसका हाथ पांव तोड़ के पैक के रखा था। काफी दिन वहीं रहकर तड़प तड़प कर मरा बेचारा। सुनकर मैं चौंक पड़ा था। हाँ पर सर, मैंने ऐसा कुछ, अरे भैया मैं तुमको नहीं बोलता, तुम एक अच्छा लड़का, मगर जो हुआ वही तुमको बताता है। तुम्हारा कोई दोस्त में से शायद पुलिस को बता दिया था, तुम उसके यहाँ काम करता, मेरे यहाँ रहता है। पुलिस आया था, मैंने सब मामला निपटा दिया है, तुमको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। मैं आश्चर्यचकित था। फिर अचानक एक बात ध्यान में आई, उस दिन मेरा नाम लेकर कौन पुकार रहा था? कहीं अग्रवाल तो नहीं? मगर अग्रवाल अगर, तो क्या ट्रॉन ने उसे, मगर ट्रॉन अग्रवाल को क्यों मारेगा? अग्रवाल ने ही तो उसे जिंदा किया था। तभी अचानक सुब्रमण्यम बोल पड़े, एक बात पूछ तुमसे, जिस दिन रात को मंगलू का कत्ल हुआ उस दिन तुमने कुछ अजूबा महसूस किया था क्या? मुझे लगा अब मुझे बात नहीं छुपानी चाहिए। मैंने इंटरव्यू से लेकर उस रात तक की सारी बात सुब्रमण्यम को बता दी। बोले, आयो मैंने महसूस किया था, असली में उस रात को जब मंगलू चीखा तो मुझे यही लगा था कि अरे रात तो वो चीखता है, मगर फिर पता नहीं क्यों चीख थोड़ी अलग सी लगी। मैं घर से बाहर निकलने वाला था तभी मेरे को कुछ महसूस हुआ,
मैंने तुमको बताया नहीं, मेरा फैमिली मद्रास में एक छोटा गांव में रहता था, जहां हम लोग गांव की औजा का काम करते। मैंने अपने बाप दादा से कुछ कुछ सीखा, मगर आजकल मॉडर्न एज में यह सब उतना काम नहीं करता, इसलिए मैं इन पर ध्यान नहीं देता था। मगर मेरी उस तंत्र शक्ति ने मुझे बताया था, उस रात हमारे घर के आसपास कोई अशुभ शक्ति घूम रही। मैंने मंत्र पढ़कर घर को बंधन में डाल दिया था, इस वजह से वो शक्ति अंदर नहीं आ सकी। मगर अब समझ में आ रहा है, उस रात तुम्हारे जान को बहुत ज्यादा खतरा था, और जैसे तुम बता रहा है मैंने ऐसा पढ़ा था, ऐसा कुछ नेफ्रोडॉक्स लोग हैं जो पुरानी ममीज को जिंदा करते हैं। अग्रवाल भी लगता है उन्हीं में से कोई था, उसने ट्रॉनिक मम्मी को अपने संग्रहालय की रक्षा करने के लिए जीवित किया था। इस तरह की मम्मी को कुछ समय के लिए जीवित करते हैं। अग्रवाल ने वो समय रात के 10 से सुबह तक कर रखा था, इसीलिए रात के 10 के बाद वो ना तो खुद वहां रहता ना तुमको रहने देता, और संग्रहालय की चिंता भी उसको नहीं, क्योंकि ट्रॉन उधर का रक्षा करता। ऐसी ममीज को जिंदा करने के लिए किसी अच्छे इंसान का जो दयावान हो कौन का जरूरत पड़ता है। मुझे लगता है ट्रॉन को जिंदा करने के लिए अग्रवाल ने तुम्हारे कौन का उपयोग किया, इसीलिए तुमसे सिग्नेचर के साथ साथ कौन लिया था, और तुम्हारे ज्वाइन करते साथ उसको जिंदा किया था। खैर अब ये सब बात बोले कि तुम पढ़ाई में ध्यान दो। फोन कटने के बाद मैं सोचता सोचता बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी एक बात मेरे दिमाग में आई और मैं बिस्तर पर ही चौंक कर उठ बैठा। आखिर मम्मी ने अग्रवाल को क्यों मारा? अग्रवाल तो उसे जिंदा करने वाला था, और जैसा कि अग्रवाल ने बताया था, मम्मी अपने मालिक की हमेशा सुरक्षा करती थी। तभी मेरा दिमाग जैसे झन्ना उठा। उस दिन सैलरी न मिलने पर मन ही मन अग्रवाल के हाथ पांव तोड़ देने का विचार मेरे दिमाग में आया था, और जैसा सुब्रमण्यम ने बताया, अग्रवाल की हाथ पांव टूटी हुई लाश मिली थी। तो क्या उस रात अग्रवाल टूटे हुए पांव को घिसट घिसट कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था, और ट्रॉन ने उसे ट्रॉन अपने मालिक की रक्षा करता है। मेरे खून से ट्रॉन को जगाया गया था। मतलब क्या ट्रॉन मुझे अपना मालिक समझ रहा है? और ये सब मेरी वजह से हुआ है? मैंने उस दिन मनी मन अग्रवाल पर गुस्सा किया तो ट्रॉन ने अग्रवाल को उस दिन खिड़की के पास मंगलू को कूदता देखकर मैंने गुस्से में Oh my God, मतलब मंगलू मेरे गुस्से की वजह से मारा गया। मैं मन में जो भी सोचता हूं वो ट्रॉन को सुनाई देता, और फिर वो मैंने भी तो अपने पर गुस्सा किया था कि क्यों मैंने नौकरी नहीं छोड़ दी। तो क्या इसीलिए वो घर के चारों ओर घूम रहा था मुझे मारने के लिए? तभी मैं जैसे चौंक पड़ा। नहीं, अगर ये सब सच है तो फिर मेरे दोस्तों की जान खतरे में है। एक दिन पहले ही
मेरे उस दोस्त ने मुझे किताब के पैसे के लिए फोन किया था। अभी हाथ थोड़ा टाइट होने की वजह से मैंने कहा था कि दोस्त मैं पैसे दे दूंगा, इस पर कमरे में साथ बैठे उसके सभी दोस्तों ने मिलकर मेरा मजाक उड़ाया था, मुझे डरपोक कहा था और कहा था कि एक खून देखकर मैं शहर छोड़कर भाग गया और मैं भी गुस्से से उन्हें बहुत कुछ बोल गया था। ओ माय गॉड, मुझे तुरंत ही अपने दोस्तों को खबरदार करना होगा। मैंने तुरंत ही दोस्त का नंबर लगाया मगर लगातार घंटी बजने के बाद भी किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। या, 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 या।